यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जी हाँ। सीधा ले चलते हैं आपको पंचकुला, तस्वीरें दिखाते हैं पंचकुला की, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। ये तस्वीरें हैं जब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन कर रहे थे, तब पुलिस की तरफ से उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरें जो हैं, एक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने जब हंगामा किया उसके बाद इन पर काबू करने के लिए, इनको इन पर काबू पाने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा, वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधी। यूथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता हैं। यूथ कांग्रेस की ओर से आज हरियाणा सरकार की विफलताओं को लेकर रोष प्रदर्शन किया गया। पंचकूला में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कोशिश की, जिसके बाद पंचकूला में पुलिस ने बैरिकेटिंग कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका। लेकिन जब भीड़ बेकाबू होने लगी, जब वो नहीं रुके, बैरिकेटिंग तोड़ने की कोशिश करने लगे, उसके बाद पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग भी किया गया और वाटर कैनन भी किया गया। पानी का छिड़काव, पानी की बौछारें, वाटर कैनन, देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया पुलिस की तरफ से। और जब हंगामा बढ़ने लगा, उसके बाद पुलिस की तरफ से कुछ कार्यकर्ताओं को, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। और क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं शशि अरोड़ा, हमारे संवाददाता हैं पंचकुला से, वो बताएंगे। शशि, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल अमन, जिस तरीके से कांग्रेस ने पहले ऐलान कर रखा था बेरोजगारी पर हल्ला बोल को लेकर, आज वो जो है मुख्यमंत्री आवास के जो घेराव के लिए निकलेंगे। और पुलिस प्रशासन जो पहले से अलर्ट था, चंडीगढ़ और पंचकुला जो बॉर्डर है, हाउसिंग बोर्ड चौक पड़ता है, वहां पर उनको रोक दिया गया। लेकिन जो कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता थे, उन्होंने जबरन जब चंडीगढ़ की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो पुलिस को उन्हें रोकने के लिए पहले बैरिकेटिंग करनी पड़ी, फिर हल्का बल का भी प्रयोग किया गया, उसके बाद जो है वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, तब जाकर उनको रोका, उसके बाद उनकी जो है गिरफ्तार कर लिया गया। जी शशि, कितने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की तरफ से? अमन, जिस तरीके से जो है सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे चंडीगढ़ की तरफ जो बढ़ रहे थे, जबरन वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, बैरिकेटिंग को उखाड़ने का वो प्रयास कर रहे थे, तो तमाम जो है जितनी कार्यकर्ता सभी को जो गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया। जी, और शशि, कोई बड़ा चेहरा इन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, कोई बड़ा चेहरा पार्टी की तरफ से मौजूद था? जी अमन, जिस तरीके से जो जिला लेवल का कार्यक्रम था, तो जिला स्तर के जितने भी जो लोग हैं वो सारे मौजूद थे मौके पर, और जिला लेवल पे भी जिस तरीके से युवाओं का खास तौर पर ये कार्यक्रम था। जी शशि, इस सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यूथ कांग्रेस की तरफ से आज हरियाणा सरकार की विफलताओं को लेकर रोष प्रदर्शन किया जा रहा था। और जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो सीएम आवास यानी कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश में थे, लेकिन पंचकूला पुलिस ने बैरिकेटिंग कर इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश देखकर, इनका हंगामा देखकर पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, जब इन्होंने बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया गया, लेकिन जब देखा गया पुलिस की तरफ से कि हंगामा शांत नहीं हो रहा है, कार्यकर्ता जो हैं वो शांत नहीं हो रहे हैं, तो उसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। तो आज हरियाणा सरकार की विफलताओं को लेकर रोष प्रदर्शन किया जा रहा था यूथ कांग्रेस की तरफ से, जिसके बाद ये सारा हंगामा हुआ, सीएम आवास के घेराव की कोशिश की गई, उससे पहले ही पुलिस की तरफ से इन्हें रोका गया, लेकिन जब ये नहीं रुके तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी यहाँ किया गया। तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बल्कि जो इनका यूथ कांग्रेस का विंग है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब हरियाणा की सरकार को घेरते नजर आते हैं, खट्टर सरकार को घेरते नजर आते हैं। किसी भी मुद्दे की बात हो, आंगनवाड़ी वर्करों के धरने की बात हो, सरपंचों की बात हो, ई पंचायत प्रणाली की बात हो, या फिर किसानों की बदहाली की बात हो, मंडी में खराब होती फसलों की बात हो, कई ऐसे मुद्दे जो हैं अब विपक्ष उठा रहा है या उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी आने हैं और विधानसभा चुनाव भी हरियाणा में दस्तक देने वाले हैं, तो ऐसे में कोई भी कमी, कोई भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती,
सरकार को घेरने का खास करके मौका कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है और हर मौके को सियासी रूप में भुनाने की कोशिश में हर कोई लगा है, जिसके चलते आज यूथ कांग्रेस की तरफ से हरियाणा सरकार की विफलताओं को लेकर पंचकूला में रोष प्रदर्शन किया गया और यूथ कांग्रेस के ये सभी कार्यकर्ता जो हैं इनकी रणनीति थी कि सीएम आवास का घेराव किया जाए, लेकिन पंचकूला पुलिस मुस्तैद थी इनके प्रदर्शन को लेकर के, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, बैरिकेडिंग कर इन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा था उसके बाद इन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, यानी कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, और पुलिस को मौका देखते हुए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी पुलिस को करना पड़ा। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कांग्रेस की प्रवक्ता रंजीता मेहता। रंजीता जी आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। रंजीता जी आज यूथ कांग्रेस की तरफ से सरकार की विफलताओं को लेकर रोष प्रदर्शन किया गया, लेकिन वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, कैसे देखती हैं? मैं यही तो कहना चाहती हूँ कि जब से भाजपा की सरकार बनी है जितने भी वर्ग हैं वो आज दुखी है, सड़कों पर है, चाहे वो गेस्ट टीचर है, चाहे वो कर्मचारी है, इवन जो डिपार्टमेंट प्रशासन जो लोगों की सिक्योरिटी के लिए होता है उसके होमगार्ड भी आज जो है प्रदर्शन पर बैठे हैं। इस सरकार नहीं चल रही है, इस समय खट्टर साहब को चाहिए कि या तो अपनी सत्ता को छोड़ दे और अपना जो सत्ता की कुर्सी का जो लालच है जो उनको वहां पर चिपका कर बैठा हुआ है, और कितने वर्गों को परेशान करेंगे और कितने धरने प्रदर्शन देखेंगे और कितनी बार हरियाणा जलाएंगे। आज युवा अगर अपनी नौकरियों की बात करता है, अपनी बेरोजगारी भत्ते की बात करता है, आज अगर किसानों की बात करता है तो आप उनको उनके आख्या फंसाते हैं। जी जी बिल्कुल रंजीता जी आपके पास वापिस आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी से संजय आहूजा जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संजय जी आपका स्वागत है। संजय जी आपने सुना रंजीता मेहता जी ने भी कहा और जिस तरह से आज यूथ कांग्रेस की तरफ से हरियाणा सरकार की विफलताओं को लेकर रोष प्रदर्शन किया गया, हंगामा किया गया, फिर पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया गया, वाटर कैनन किया गया, कैसे देखते हैं आप? क्या वाकई में सरकार विफल हो रही है हर 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 एक मुद्दे को लेकर, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे आंगनबाड़ी का मुद्दा हो, चाहे पंचायत का मुद्दा हो? देखिए ये तो इनकी अपनी सोच है विपक्ष की जी कि विफल हो रही है। इतना सफल सरकार आज तक ना तो कांग्रेस की रही ना INLD की रही। संजय जी लेकिन 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 इस बात से आप शायद इनकार नहीं करेंगे कि प्रदर्शन रोजाना हो रहे हैं हर एक वर्ग को लेकर। देखिए प्रदर्शन करना सबका अपना राइट है जी। और दूसरी बात, क्या कांग्रेस और INLD के टाइम में प्रदर्शन नहीं होते रहे? मैं नहीं कहता कि ये चीज ठीक है कि उनको प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़े, सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करे इनको प्रदर्शन की जरूरत ना पड़े जी। लेकिन ये जो विपक्ष बिना वजह के ये मुद्दे उठा रहा है, बिना वजह के ये बातें कर रहा है कि किसानों की, अरे ये कांग्रेस से पूछो कि इन्होंने 2-2 रुपए के चेक दिए हैं जी। हमने तो जितना मुआवजा जो हमने बांटा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 3.5 साल में मुआवजा बांटा है जी, कि ये प्राकृतिक आपदा है जी, ये कुदरती नुकसान है जी, इसकी भरपाई जितनी भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हुई है इनसे पूछिए। हमारे साथ मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने जी प्रत्यक्ष रूप से दिखाए हैं 2-2 रुपए के चेक जी। संजय जी हमारे साथ इस बात का जवाब लेने के लिए रंजीता मेहता जी फोन लाइन पर जुड़ी है। रंजीता जी इनका कहना है कि 2-2 रुपए के चेक कांग्रेस की सरकार ने बांटे थे। हमारे साथ फोन लाइन पर प्रवीण अत्रे जी जुड़ चुके हैं इनेलो की तरफ से। प्रवीण जी आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। धन्यवाद प्रवीण जी। आज जिस तरह से यूथ कांग्रेस की तरफ से हरियाणा सरकार की विफलताओं को लेकर रोष प्रदर्शन किया गया, उसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया, वाटर कैनन किया, कैसे देखते हैं आप? क्या वाकई में सरकार विफल हो गई? देखिए इसमें कतई कोई दो राय नहीं है, सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है जी। आज मंडियों में किसान परेशान है, गेहूं की खरीद नहीं हो रही है, उठान नहीं हो रहा है, ऊपर से मौसम की मार, किसान की फसल खराब हो रही है जी। लेकिन हैरानी इस बात की है जी कि आज हमारे कांग्रेसी मित्र भी अपने एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकले हैं जी। आपने देखा जब धान में किसान लूट रहा था तो हमारे कांग्रेसी मित्र केवल एयर कंडीशन कमरे में बैठ के एक बयान जारी कर देते थे जी। जब प्रदेश में बिजली के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई उस वक्त भी हमारे मित्रों ने केवल एसी कमरे से एक बयान जारी करके कर्तव्य की इतिश्री कर ली थी जी। जब सरसों में किसान लूट रहा था, बाजरे में किसान लूट रहा था, हमारे कांग्रेसी मित्र कहीं धरातल पे नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन आज हमारे कांग्रेसी मित्र अपने एसी कमरे से बाहर निकले, ये भी एक सोचने का विषय है। प्रदेश की सरकार फेल साबित हुई जी, ये तो पूरा प्रदेश जानता है, हर वर्ग की है, हर वर्ग सड़कों पे है, पूरा प्रदेश देख रहा है जी।
जी बिल्कुल प्रवीण जी, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ रंजीता मेहता जी वापस जुड़ चुकी हैं। रंजीता जी, संजय जी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में 2-2 रुपए के चेक किसानों को बांटे गए थे। इनको नींद में, इनको हर समय कांग्रेस ही क्यों याद आती है? 4 साल हो चुके हैं सत्ता में आए और इनको अब इनकी सरकार जाने वाली है और कांग्रेस दोबारा वापस आने वाली है, उसके बावजूद भी ये हर चीज का ठीकरा जो है ये कांग्रेस के सिर फोड़ते हैं। जनता ने इनको जनाधार दिया था, इनको 15-15 लाख अकाउंट में लाने के लिए जनता ने इनको जनाधार दिया था, 154 वादे पूरे करने के लिए। आज इनसे पूछिए कि आज जनता त्रस्त है और इनकी सरकार जो है वो मस्त है, क्या इन इन झूठे वादों के लिए इनको चुना गया था? कि इन 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 जो लोगों को इन्होंने आज सड़कों पर बैठा रखा है, अगर लोग अपनी मांग उठाते हैं तो उनके ऊपर वाटर कैनन से प्रहार करते हैं, उन पे लाठियां बरसाते हैं, नौजवान बच्चों के ऊपर केस दर्ज करवाते हैं। कि क्या आज जनता को अपना हक मांगने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए इनकी लाठियां और डंडे खाने पड़ेंगे? क्या इस सरकार का सपना देखकर संजय जी, क्या संजय जी रंजीता जी का कहना है, क्या इस दिन के लिए सरकार चुनी गई थी ताकि लाठियां डंडे खाने पड़े? फोन लाइन कट हो गया, लेकिन सवाल बड़ा है। रंजीता मेहता जी ने कहा कि क्या इस दिन के लिए बीजेपी को चुनकर के सत्ता में बिठाया था हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के नौजवानों ने, ताकि इस तरह से लाठियां और डंडे उन पर बरसाए जाएं? लेकिन सवाल बड़ा है, सरकार कहती है कि काफ़ी कुछ किया है, कुछ लोग होते हैं और धरना प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है क्योंकि लोकतंत्र है, लेकिन जिस तरह से अब धरने प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं सरकार पर सवाल खड़े होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार का फिर भी यही कहना है आंकड़ों के साथ कि कहीं ना कहीं पहले की सरकारों से हम बेहतर काम कर रहे हैं। इनसे ये पूछिए कि जब सीएम साहब यहाँ पंचकुला के अंदर मीट भी सीएम का कार्यक्रम रखते हैं, युवाओं को बुलाते हैं कि हमसे आइए और हमसे आकर मिलिए, वहाँ पर युवा जाकर इनसे सवाल करते हैं तो उनके ऊपर 4-4 धराएं लगाकर उन पर भी केस दर्ज करते हैं कि क्या युवा के पास इतना पैसा है कि सरकार द्वारा प्रताड़ित होकर वो वकील हायर करें और केस लड़े, और इस सरकार जो निकम्मी सरकार है जो उनको रोजगार देती, आज उनको जेल में ये सिखाती है कि आप आगे जाके गुनहगार और कैसे बने। जी बिल्कुल, संजय जी साथ हैं हमारे, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपने सुना रंजीता मेहता जी ने क्या कहा, कैसे जवाब देंगे? हेलो, हाँ जी संजय जी, रंजीता मेहता जी ने कहा है कि क्या इस दिन के लिए सरकार चुनी गई थी कि नौजवानों पर लाठियां डंडे बरसाए जाएं? देखिए, मैंने फिर कहा, उन्होंने कहा कि विपक्ष को सरकार को सिर्फ कांग्रेस ही नजर आती है, कांग्रेस को सिर्फ सरकार नजर आ रही है कि इन्होंने जो अच्छे काम किए उनकी विफलताओं को कैसे मिसगाइड करना, पब्लिक में मिसगाइड करना, मिसलीड करना, बात करनी। जी मैं वही बता रहा हूँ, इनके समय में हमारी सरकार ने जितना काम किया है ये जनता जानती है। सरकार कांग्रेस की आ रही है, ये किसी भ्रम में जी रहे हैं जी कि कांग्रेस की सरकार बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है जी। अरे जनता के पास देखिए, जो काम जी जितनी ईमानदारी से काम मुख्यमंत्री जी ने किया जी, जो काम आज तक नहीं हुए। आपकी ईमानदारी तो सड़कों के ऊपर गिर रही है जनाब, एसएसएस की घोटाले के अंदर आप नौकरियों को बेच रहे हैं, आप यहाँ के युवाओं को खरीद कर उनसे पैसा लेकर उनको नौकरियां दे रहे हैं। आप यही चीज मुख्यमंत्री जी ने रोकी, यही चीज मुख्यमंत्री जी आज तक कभी इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। एसएस बोर्ड पे किसी विजिलेंस का छापा पड़ा हो और हुड्डा के किसी डिपार्टमेंट पे छापा पड़ा हो सीएम फ्लाइंग जनाब, आपकी सरकार है यहाँ की, इनको याद दिलाना चाहता हूँ, आप छापों की जरूरत नहीं है, याद दिलाना चाहता हूँ की जरूरत नहीं पड़ती। इन्होंने इनके मुख्यमंत्री ने क्या क्या गुल खिलाए हैं वो सीबीआई में सब रिपोर्ट सामने आई है जी। संजय जी, आपकी जुबान से ये बातें अच्छी नहीं लगती, गुण खिलाए हैं नहीं, आप तो आप सबसे खिल रहे हैं जनाब, आने वाले समय में आपको जवाब मिलेगा। जो इस समय कांग्रेस बात पूरा मंत्री है वो जेल के अंदर हो, मैंने बेच के खा दिया। मैंने कहा आपने पूरा हरियाणा बेच के जनता को भ्रमित किया, आपने 10 साल ये शासन में रह के, और अभी आप कह रहे हैं हमारे, अरे आप अपना देखिए क्या कर रहे हैं आपने क्या क्या किया अभी। ठीक है संजय जी, आपका जवाब हमें मिल गया, रंजीता जी का भी हमें जवाब मिल गया। संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, रंजीता जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और प्रवीण अत्रे जी इनेलो से हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।